दोस्तों, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। मैं कोशिश कर रहा था कंसिस्टेंट रहूँ, लाइक वीकली 3 से 4 वीडियोस बनाऊँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं बना पाया, थोड़ा सा मसरूफियत हो गई थी। कंटिन्यू करते हैं हम वहाँ से जहाँ से हमने छोड़ा था। तो सबसे पहले तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप लोगों को, इफ़ यू लाइक माई वीडियोज एंड the lectures I'm delivering, so please the channel ko like karein, share karein, subscribe karein, thank you, bell icon press karein taki aapko videos aane wali hain wo unki bhi update milti rahe. So that's the request I want to make. Acha hum karte hain continue wapas apne project ki taraf. Main pehle project ko run karta hu, terminal open karta hu, terminal एक एक्स्ट्रा विंडो ओपन हो जैसे केस में कोई कमांड चलानी है उसके लिए सीपी एप्लीकेशन सीपी जेटसनस। अच्छा मैं वापस आता हूँ जी। आपको याद होगा हमने बेसिकली क्या अचीव किया था, हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लिया था अपना और स्पेटी की इंस्टॉलेशन की थी, स्पेटी जो कि हमारे लिए परमिशंस और रोल्स के लिए काम कर रहा है, उसका हमने इंस्टॉलेशन की थी और हमारा प्रोजेक्ट सेटअप हो गया था। मैंने लास्ट में एक नया यूज़र रजिस्टर किया था और उस रजिस्ट्रेशन के साथ मैंने लॉगिन किया था। अब हम आगे लेके चलते हैं प्रोसेस को। हम रोल्स और रोल्स वगैरह बनाते हैं अपने प्रोजेक्ट में। मैं उसके लिए सीडर वगैरह लिखता हूँ और जो जो चीज़ें मुझे चाहिए मैं वो स्टेप बाई स्टेप लिखता हूँ और हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, मैंने नोट डाउन किया है, मेरे ख्याल यही कल्प्रिट है। मैं जब भी वीडियो लाइक करता हूँ स्टार्ट रिकॉर्डिंग तो उसके टाइम पे करता है, ये चेक करना होगा कि क्या रीज़न है। आई मीन अभी तो चल रहा है राइट अवे फास्टर, लेट्स सी क्या इशू है, लेट अवे चेक दैट। अच्छा मैंने एक यूजर बनाया था आई थिंक एग्जांपल के नाम से, एट एग्जांपल डॉट कॉम और पासवर्ड उसका रखा था पासवर्ड। लॉगिन करके देखता हूँ व्हाट हैपेंस। तो यस इट इज लॉगिंग इन विद द सेम यूजर। तो हमने आपको याद होगा हमने इंस्टॉलेशन की थी अपने पास, हमने इंस्टॉल किया था ब्रीज, टारवल ब्रीज। तो बेसिकली हमने स्टार्टर किट इंस्टॉल की थी जिसकी वजह से हमारे पास काफ़ी चीज़ें रेडी हमें मिल गई थी। तो डैशबोर्ड इज वन ऑफ इट। तो जब मैंने लॉगिन किया तो हमने इसमें प्रोफाइल का पेज भी दे दिया और इसमें मैं अपना करंट पासवर्ड भी अपडेट कर सकता हूँ, अकाउंट डिलीट कर सकता हूँ, इस तरह की ऑप्शन मुझे प्रोवाइड कर दी है बाय डिफॉल्ट क्योंकि मैंने स्टार्टर किट इंस्टॉल की। इफ यू गाइस स्टार्ट विद द लाइक बिल्कुल स्क्रैच तो ऑब्वियसली उसमें कुछ जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं वो ऑब्वियसली बनी बनाई नहीं मिलेंगी, तो आप उसको कर सकते हैं अकॉर्डिंग मॉडिफाई। अच्छा जी मैं जाता हूँ अपने पास टर्मिनल पे। तो सबसे पहले मुझे बनाने हैं सीडर्स, सीडर्स बनाऊंगा जैसे कि अभी एक देख रहे हैं डीबी सीडर मैंने ओपन किया हुआ। डाटा बेस का फोल्डर होता है जिसके अंदर हमारे पास माइग्रेशन होती हैं, उसी तरह हमारे पास सीडर्स होते हैं। सीडर्स का काम क्या है, हम सीडर्स के थ्रू कोई डाटा हमने पॉपुलेट कराना हो डीबी में डायरेक्टली तो हम वो करवाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे रोल्स बनाने वाला हूँ तो मैं उसके लिए प्रोसीजर करूँगा और ऑब्वियसली वो मेरे पास क्या करेगा बनाएगा रोल्स और फिर मैं उनको आगे फर्दर लेके चलूँगा जैसे भी मैंने लेके जाना है स्टेप बाय स्टेप। तो अभी आप लोगों के सामने मैं यही प्रोसीजर दोहराता हूँ। तो उसके लिए मैं करता हूँ कॉलन सीडर और सीडर का नाम जो मैं रखना है वो मैं जस्ट लाइक माइग्रेशन वैसे मैं उसका कोई नाम रख देता हूँ या कोई चीज़ मैं अगर जैसे क्रिएट करता हूँ जैसे कंट्रोलर क्रिएट करता हूँ उसी तरह उन सीडर क्रिएट करता हूँ। तो रोल सीडर ठीक है, एक सीडर मैंने जनरेट कर दिया। अगर मैं अब जाता हूँ अपने कोड में तो मेरे पास रोल सीडर के नाम से एक फाइल जनरेट
ठीक है। अच्छा अब ये रोल सी टू की जो फाइल जनरेटर, इसमें कुछ कोड मैं करूँगा जो मैं बेसिकली चाह रहा हूँ इस सीडर की फाइल के अंदर रन करना, वो कोड मैं इसमें अप्लाई करूँगा। तो हम एक और सीडर बना लेते हैं, मैंने कुछ और भी काम करना है साथ, जिसमें हम करते हैं PHP artisan make cedar admin cedar। ठीक है, ये दो मैंने cedars जनरेट करवा दी। अभी आप देख सकते हैं मेरे पास दो फाइल्स जनरेटेड हैं, मैं इसको थोड़ा सा zoom in कर लेता हूँ just to be sure कि you guys can see the screen। ठीक है, अब मैं जाता हूँ अपने पास role cedar में सबसे पहले, और वहाँ पे मैं बनाता हूँ रोल कॉलन कॉलन स्पेटी। मैंने बेसिकली क्या किया है, मैंने स्पेटी की लाइब्रेरी मुझे रिक्वायर्ड थी, तो आप लोग अगर देख सकते हैं तो आपके पास लाइन 7 का आ रहा है स्पेटी परमिशन कॉन्ट्रैक्ट्स, और उसके अंदर है रोल, बल्कि कॉन्ट्रैक्ट्स मुझे चाहिए स्पेटी परमिशन, परमिशन में मॉडल चाहिए मॉडल्स। तो ये क्या कर रहा है, तस्वीर में उसके अंदर से दे रहा है स्पेटी के अंदर से उसका मॉडल, रोल्स का, रोल का मॉडल। ठीक है, तो अब इसको मैं यूटिलाइज करके क्या करता हूँ, क्रिएट, और नॉर्मली जैसे हम क्रिएट कर रहे होते हैं अपने मॉडल के अंदर थ्रू अपने टेबल में डाटा, तो वही मैं यहाँ पे प्रोसेस कर रहा हूँ। नेम और उसके आगे मैं दे रहा हूँ ये रोल जो मैंने रोल देना है। ठीक है, तो ये बेसिकली कर क्या रहा हूँ, मैं रोल्स क्रिएट कर रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, जिसके अंदर अभी मैंने एक एडमिन का रोल यहाँ पे बनाया है। इसी तरह मैं मल्टीपल रोल्स बना सकता हूँ, जैसे कि अब हमारा प्रोजेक्ट SMS स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम है, मैं इसमें बनाता हूँ एडमिन का, टीचर का और स्टूडेंट का, तो इस तरह के दो तीन मैं रोल्स जनरेट कर रहा हूँ। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, मैंने इसके अंदर कैपिटल एडमिन रखा है, एडमिन का या कैपिटल लेटर यूज़ कर रहा हूँ जस्ट टू बी श्योर कि रोल के अंदर अगर कैपिटल है तो वो कैपिटल को ही कंसिडर करेगा, और अदरवाइज मैं उसको स्मॉल में रखता हूँ लेटर को, देन इट विल कंसिडर स्मॉल एडमिन एंड सो ऑन। तो सेम चीज़ गोज फॉर टीचर, सेम चीज़ गो फॉर स्टूडेंट्स। ओके, सो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, टीचर एक है स्टूडेंट। ओके, नेम्स करेक्ट हैं, स्पेलिंग्स कोई मिस्टेक तो नहीं। ठीक है, तो ये मेरे पास रोल्स जो है ना, रोल्स के लिए मैंने इनके नाम रख दिए हैं जो जो मैंने रोल्स देने हैं, तो मेरे तीन रोल्स अब होंगे सिस्टम में, तो इन तीनों रोल्स को मैंने आगे मूव ऑन करने को लेके चलना है। अच्छा जी, नेक्स्ट हम करेंगे क्या, अब हम आ जाते हैं अपने पास एडमिन के उसमें सीडर में, एडमिन सीडर। ठीक है जी, एडमिन सीडर में अब मैंने क्या करना है, मैं यहाँ से काम और करता हूँ, मैं फैक्ट्रीज जो कि मेरे पास बाय डिफॉल्ट फैक्ट्रीज बनती हैं, यूजर फैक्ट्रीज में जाता हूँ, और मैंने यहाँ से जो बना बनाया इनका ये अरे है ये उठा लेता हूँ। ओके, और इसको मैं अपने पास सेट कर देता हूँ, नथिंग मच आई एम डूइंग, मैं सिर्फ फैक्ट्री से उठा रहा हूँ बनी बनाई अरे, और उसको अपने पास एडमिन के सीडर में रखा हूँ। बेसिकली कर क्या रहा है, ये एक यूज़र बनाएगा, क्रिएट करेगा एडमिन यूज़र, तो मैं अपने पास DB में पहले यूज़र जो मैंने बनाया था एडमिन का, उसको मैं उड़ा दूँगा, रिमूव कर दूँगा। उसका रीज़न ये है कि मुझे चाहिए एडमिन सीडर के थ्रू, ताकि वो मेरे रोल्स भी क्रिएट कर रहे हों और रोल्स के साथ उसको नया यूज़र भी जनरेट करके एडमिन का यूज़र बना दें। तो पहले जो मैंने बनाया था उसमें मेरे पास रोल्स नहीं आए, रोल उसके अंदर अवेलेबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैंने उस वक्त जो बनाया था उस वक्त डेफिनेटली रोल हम कहीं पे भी जनरेट नहीं करवा रहे थे, लेकिन इस दफ़ा मैं क्या कर रहा हूँ, इस दफ़ा मैं रोल जनरेट करवा के उसके बाद यूज़र को, उस रोल को उस यूज़र बनाऊंगा उस, और वो यो रोल स्पेसिफिकली जो एडमिन का रोल है वो उस यूज़र को असाइन करूंगा, तो ये बेसिकली मैं करूंगा अभी। ठीक है, तो लेट्स मूव अलॉन्ग,
में से उठाई है फैक्ट्री में से, वो एज इट इज़ मैं इसमें पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब इसमें पेस्ट कर दीजिए। देख रहे हैं फैक्ट्री बेसिकली हमें जब हमने डमी डाटा डालना होता है अपने पास थ्रू सीडर, तो हम मतलब मिसाल के तौर पर 10 रिकॉर्ड मैंने डालने हैं डीबी में डमी जिनको मैं यूटिलाइज करूँगी, या 1000 रिकॉर्ड डालने, तो हम ये वाली फैक्ट्रीज को यूज़ करके वो बना रहे होते हैं। लेकिन इस वक्त मैं जो वो फैक्ट्री की स्पेसिफिक वो चीज़ नहीं मुझे चाहिए, स्पेसिफिक उसकी क्रिएशन नहीं चाहिए, मुझे उसके अंदर अपनी मर्जी का एक यूज़र बनाना है जो कि एडमिन टाइप का होगा, एक यूज़र फॉर नाउ ओनली वन यूज़र, राइट। तो एक नेम उसको जो दे रहा है इंस्टेड मैं दे देता हूँ यहाँ पे एडमिन दे देता हूँ, एडमिन यूजर में एक नाम दे दें। ठीक है, इसी तरह उसका ईमेल एड्रेस देना है, तो मैं यहाँ पे ईमेल एड्रेस उसका देता हूँ admin@example.com। ऑलराइट, तो ईमेल वेरीफाइड अभी वेरीफाई हुई है, पासवर्ड उसका बाय डिफॉल्ट ये पासवर्ड आ रहा है। ठीक है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और रिमेंबर टोकन हम ऐसा करते हैं अपने फेक कर में से निकाल देते हैं इसकी, तो ये अब हमारे पास आ गया strs। अच्छा, लास्ट में मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको दे दूंगा assign role, और ये role assign करेगा admin का। ठीक है, इसका काम है इसको admin का role assign कर देना। ठीक है, मतलब है कि मैं उसको role यहीं से assign कर दूंगा इस यूज़र को जो ये क्रिएट होगा, तो मेरा जो भी रोल्स पीछे बनेंगे वो रोल्स इधर से इसको साथ मिल भी जाएगा। तो पहले ही मैं बनाऊंगा रोल डीबी में, और दूसरा स्टेप मेरा होगा क्या बनाना है, मैंने यूज़र बनाना है एडमिन का, तो एडमिन का यूज़र बने और रोल्स के अंदर से रोल्स के टेबल में से और रोल जो एडमिन है वो इसको साइन कर दे, दैट्स इट। सो ये हमारा यूज़र जनरेट। अब मैं जाता हूँ डेटाबेस सीडर जो हमारी डिफॉल्ट सीडर की फाइल। ओके, डबल चेक। ओके, ठीक है। अच्छा जी, अब मैंने करना है कॉल, मेरे पास जो ये जो रोल्स ये दो बने हैं ये मैंने प्रॉपर कोड कमेंट किया, सो जस्ट लुक इनटू दैट फॉर नाउ। This call role seeder और इसी तरह करेंगे हम admin seeder call किधर गया, सिस्टम स्लो हो गया है अगेन, आई कैन फील इट, वीडियो बनाते हुए। और सीडर्स कॉलन कॉलन क्लास, और इसी तरह बॉर्डर दिस रिस्पांस करना छोड़ गया है सिस्टम। ये दोनों सीडर मैंने बना दिए और इनको मैंने कॉल किया डीबी सीडर के अंदर। अब इनको सीडर में मैंने कॉल इसलिए किया, उन्होंने आपको बताया कि मैं जनरेट करवाऊंगा रोल और देन एडमिन का यूज़र। तो सबसे पहले मैं कर ये देता हूँ कि मेरे पास जो डेटाबेस है जो मैंने बनाई थी उसमें एक यूज़र जनरेट किया था मैंने, याद होगा आप लोगों को। तो पहले तो मैं करता हूँ उस यूज़र को रिमूव। ठीक है, डीबी किधर है, डेटाबेस है, इसके अंदर एक यूज़र आपको बना के दिया था मैंने ये वाला, तो मैं इसको ऐसे नहीं यूज़र को रिमूव करता, मैं करता हूँ मेक ट्रंकेट टेबल। यस, ठीक है, रोल्स में अगर आप जाएँ तो यू विल फाइंड नथिंग इन द रोल एज वेल। अच्छा जी, अब मैं यहाँ से सीडर को चला देता हूँ मैं यहाँ पर PHP artisan db colon c।
अब ये क्या कर रहा है, इसने रिसीट कर दिया, इसने चला दिया उसको। तो डीबी में मैं आपको दिखाता हूँ, सबसे पहले तो ये रोल्स देखें, यू विल फाइंड 3 रोल्स, ठीक है। इसी तरह यूजर्स के टेबल में एक यूज़र जनरेट होगा, ये नया यूज़र हमने जो बनाया है मैनुअली, ये वो जनरेट हो गया, ठीक है। इसका मतलब है हमारे पास एक यूज़र क्रिएट हुआ और उसको एक रोल असाइन हो गया एडमिन का, ठीक है। रोल हैज़ एडमिन का मॉडल हैज़ रोल का एक टेबल है, इसके अंदर हमारे पास एंट्री आती है जो यूज़र को अगर कोई हम रोल असाइन कर देते हैं उसकी। यू कैन सी यहाँ पे एक एंट्री आ रही है, तो ये एंट्री का मतलब ये है कि हमारे पास एक यूज़र को और रोल असाइन हो गया। अच्छा, तो अब हम जाते हैं अगले स्टेप पे, कर देता हूँ। अच्छा, अब मैं लॉग इन करता हूँ गेम सी यूजर से, क्योंकि एडमिन एट द रेट example.com, ठीक है, और पासवर्ड। तो इस दफ़ा मेरे यूज़र को एक रोल असाइन हो चुका है, तो अभी इसका अगला स्टेप होगा पासवर्ड। अच्छा जी, मैं कंटिन्यू करता हूँ वीडियो को नेक्स्ट स्टेप पे इंशाल्लाह सूनर। सी यू गाइस अगेन, लेट्स होप कि मुझे जो प्रॉब्लम आ रहा है इस वक्त वो भी मैं क्लियर उसको हैंडल कर सकूँ। तो ये वाला पार्ट था हमारा यूजर्स के लिए, यूजर क्रिएट करने से पहले रोल्स और एडमिन का सीडर बनाया, और सीडर से अब हम ऑनवर्ड लेके चल रहे हैं। सी यू सून, थैंक यू।